आज हम बना रहे हैं स्ट्रीप समोसा यानी कि थ्रेड समोसा। ये बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी कुरकुरा इवनिंग स्नैक्स के लिए। घर में छोटा सा पार्टी हो या फिर होली दिवाली किसी भी टाइम पे आप बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज का हमारा स्ट्रीप समोसा। एक बोल में हम लेंगे 2 बड़े कटोरी के मैदा। यहाँ पे हमने 250 ग्राम मैदा लिया है। डालेंगे इसमें कलुंजी यानी कि मगराइल, काला जीरा भी कहते हैं, ये ऑप्शनल है। आप काला जीरा की जगह पे जीरा, अजवाइन जो आपको पसंद है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आधा बड़ा चम्मच नमक, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, 1/4 कप जितना रिफाइंड ऑयल डाला। 8 बड़ा चम्मच यहाँ पे तेल है, चाहे तो आप घी डाल सकते हो, घी से बनाना चाहते हो तो। अब इस तरीके से मिलाएंगे, इसे कहते हैं मोयन देना। खस्ता चीज़ जैसे कि समोसा, नमकीन, जो भी क्रिस्पी बनाना है उसमें तेल डाल के मिलाने को मोयन देना कहते हैं। अब देखिए लड्डू के जैसे इकट्ठा मिक्स्ड हो रहे हैं, मतलब तेल परफेक्ट है। अगर एक साथ में चिपक नहीं रहे हैं तो तेल का कमी है, थोड़ा सा तेल उस टाइम ऐड करना की ज़रूरत है। अब पानी डालेंगे, पानी हल्का सा गुनगुना ले सकते हो या फिर नॉर्मल टेम्परेचर, ठंडा पानी बिल्कुल ना ले। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी डाला था मैदा। 2 कटोरी मैदा के लिए सिर्फ और सिर्फ आधा कटोरी पानी की ज़रूरत है, यानी कि आप कप से ले रहे हो, अगर 2 कप ले रहे हो और मैदा, तो उसमें आधा ही कप लगेंगे उसमें पानी। पानी डाल के थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम अच्छे से डो को गूंद लिया है। तब इसमें 2 से 3 बूंद रिफाइंड ऑयल लगाएंगे ऊपर से इस तरीके से, और आधा घंटा के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे कि ये मैदा का टेक्सचर अच्छा होगा खस्ता होने में। तो चलिए इसके अंदर जो स्टफिंग भरेंगे वो तैयार करते हैं। सरसों का तेल डाला, गरम होते ही आधा छोटा चम्मच जीरा डाला, कुटी हुई मूंगफली यहाँ पे डाल रही हूँ, आधा आधा से करके टुकड़ों में हो गया है। अब इसे 1 सेकेंड के लिए बस मिक्स करेंगे। नमक डाला थोड़ा सा, डालेंगे इसमें कटी हुई प्याज, मीडियम साइज के 2 प्याज डाला है, मिला देंगे। अब जैसे ही थोड़ा सा बेबी पिंक कलर आ चुके हैं उस टाइम डाला 1 बड़ा चुटकी भर हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च स्वाद अनुसार, आधा बड़ा चम्मच हल्दी के पाउडर, आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है, जो आपका फेवरेट गरम मसाला छोला मसाला यहाँ पे डाल सकते हो। अच्छे से मिलाया है, और बिल्कुल जब सूखा मसाला डालें उस टाइम फ्लेम को स्लो ही रखें, जिससे कि मसाला जले नहीं। तो यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज के आलू को बॉईल कर लिया था, उसके बाद छील के टुकड़ों में किया है। चाहे तो आप पहले ही मैश करके ले सकते हो, या फिर इस तरीके से फ्राई करते टाइम, या फिर इस तरीके से फ्राई करते टाइम ही चम्मच से मैश करते जाए। अब मैश करते हुए फ्लेम को हमने मीडियम टू स्लो ही रखा है इस टाइम, जिससे कि कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपके नहीं। और हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इस आलू में एक भुने हुए टेक्सचर आके अच्छा सा खुशबू ना छोड़ने लगे। अब इस टाइम हम लास्ट में फ्रेश कटी हुई धनिया के पत्ते, आधा छोटा चम्मच हमने डाल दिया है भुनी हुई जीरा। अगर धनिया पाउडर आप पहले ऐड नहीं कर रहे हो, भुनी हुई जीरा के साथ भुनी हुई धनिया के पाउडर भी इस टाइम लास्ट में ऐड कर सकते हो। अब देखिए इस टाइम फ्राई करते हुए एकदम अच्छा से एक डो जैसे तैयार हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से भुने हुए आलू हमारे रेडी हैं स्टफिंग के लिए। इस टाइम हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और एक प्लेट में निकाल के छोड़ देंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए। तो मैं झटपट बनाने के लिए जल्दी से प्लेट में निकाल के थोड़ा सा फैन के नीचे छोड़ दिया था, जिससे जल्दी ठंडा हो जाए। तो देखिए तब तक हमारे मैदा का रेस्ट करना हो चुके हैं, आधा घंटा करीब अब हो भी गए हैं। अब इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स निकालेंगे, और बिल्कुल पतला करके बेलना है। जितना पतला करके बेलेंगे उतना ही अच्छा क्रिस्पी तैयार होंगे हमारे थ्रेड समोसा। नॉर्मली समोसा के लेयर जितने पतले होते हैं, अब देखिए एक नाइफ से इस तरीके से कट करेंगे, एक एक साइड में 6 से 7 लाइन तक कट करना है।
आप अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आप फर्स्ट चांस में ही एकदम परफेक्ट अच्छा सा डिज़ाइन तैयार कर पाएंगे। जो कैप था उसमें आलू के जो स्टफिंग बनाया उसको थोड़ा सा गोल करके रखा, ऊपर के लेयर को इस तरीके से प्रेस करेंगे जिससे कि अच्छे से चिपक जाए, आलू के स्टफिंग निकले नहीं। फिर भी अगर आपको लगे कि निकल सकते हैं तो इस तरीके से चारों तरफ से पानी लगा लीजिए। पानी लगाने से बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। तो फिर से मैं दोबारा दिखा रही हूँ, पानी लगा के अच्छे से आलू के स्टफिंग को कवर कर देंगे इस तरीके से। अब बस ऊपर से एक एक लेयर करके, इधर से एक लेयर और उस साइड से एक लेयर, इस तरीके से लेयर बनाते जाएंगे। तो देखिए है ना बहुत ही ज़्यादा आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजीली इस तरीके से बस एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से उठाते जाए और आज के हमारे डिज़ाइन बिल्कुल बन के तैयार होंगे। लास्ट में भी दो दो कट करके लगा दिया है, कॉर्नर के इधर वाले पार्ट इस तरीके से चिपका देंगे। तो देखिए चारों तरफ से अच्छे से चिपक गए हैं और आलू के स्टफिंग आपको बाहर भी आते हुए नहीं दिखेंगे। तो चलिए, लव किचन के मेंबर हो ना आप लोग, बहुत टैलेंटेड हो और इस तरीके से आप भी एक ही चांस में परफेक्ट बना पाएंगे, ये मुझे भरोसा है। तो चलिए आगे भी इसी तरीके से हमने रेडी कर लिया है। तो 2 कप मैदा से ना 12 से 13 हमारे स्ट्रिप समोसा तैयार हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ अभी 5 ही फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। कढ़ाई में तेल डाला, तेल को बस हल्का सा गर्म होने देना है, यानी कि इसे बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, बिल्कुल स्लो गर्म करना है। जैसे ही हल्का सा गर्म हो उस टाइम इस तरीके से हमारे थ्रेड समोसा को डालना है और बिल्कुल स्लो स्लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। पूरा समोसा को फ्राई होने में 10 से 12 मिनट जितना टाइम लग जाएंगे। इस तरीके से समय लगा के आप फ्राई करेंगे तो बनने के काफ़ी टाइम बाद तक ठंडा होने के बाद भी उतना ही क्रिस्पी रहेंगे जितना कि मार्केट से लाए हुए समोसे रहते हैं। तो चलिए धीरे धीरे इस तरीके से पलटते जाएंगे, जब तक अच्छे से थोड़ा सेट ना हो जाए तब तक इसे पलटे नहीं। देखिए कलर अब आने लगे हैं लेकिन इसे और क्रिस्पी करना है। अब फ्राई करते हुए इस तरीके से जब कलर आ चुके हैं तो ये हमारे स्ट्रिप समोसा बिल्कुल है रेडी। इसे तेल से हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर पे, इस तरीके से तेल को थोड़ा सा झरने देंगे। लीजिए गर्मा गर्म स्ट्रिप समोसा यानी कि थ्रेड समोसा हमारे है बिल्कुल रेडी। इसे सर्व करें, चाय पकौड़े के साथ एंजॉय करें। मैंने यहाँ पे टमेटो केचप और साथ में सैलाड के साथ सर्व किया है। ग्रीन चटनी, आपका जो भी फेवरेट सॉसेस हो, इमली की चटनी से कर सकते हो आप इंजॉय। तो लीजिए बहुत ही क्रिस्पी करेरी आज के हमारे स्ट्रिप समोसा। अब क्रिस्पी है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा। अंदर के आलू के स्टफिंग देखिए, आवाज़ देखिए, देखने में है ना बिल्कुल मार्केट से लाए हुए, मार्केट से भी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और एक बार आपने किसी भी गेस्ट को खिला दिया ना, बार बार आपका तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ज़रूर एक बार बना के आप अपने घर पे ट्राई करें। आज के स्ट्रिप समोसा आपको कैसा लगा है मुझे आप बताएं कमेंट करके, और साथ में आप ये भी लिखना कि किस किस को शाम को होते ही भूख लगना चालू हो जाते हैं कि चटपटक कुछ खाने के लिए मिल जाए बस। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया है आज की हमारी रेसिपी तो लव किचन चैनल को तुरंत करें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से बस इतना होगा कि रोजाना आपको हेल्दी से हेल्दी रेसिपीज मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।